वेलकम टू डॉल्फिन एयरलाइंस चैनल। ये आज हम आपके लिए नए सोडा फाउंटेन मशीन, जो गाड़ी में लगने वाली मशीन रहती है, मोबाइल छोड़ा मशीन लेके आए आपके सामने, जो 20+2 मॉडल है, 12+2, 12 सोडा वाले फ्लेवर है, 2 जूस वाले फ्लेवर है। तो हम आपको आज इसके बारे में पूरा इसको ऑपरेट करके, टेस्टिंग करके, और हम क्या क्वालिटी देते हैं, कैसी क्वालिटी देते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे मशीन के बारे में, कि हमारी को हमारी कंपनी की क्वालिटी में क्यों डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंस रहता है, उसकी हम आपको सिस्टम पूरा बताएंगे कि क्या सिस्टम से हम मशीन बना दे, कैसी बना दे। ये मशीन हमने ऑलरेडी हमारे कस्टमर के लिए बनाई है, जो अलवर राजस्थान जा रही है, अलवर करके सिटी है राजस्थान में, वहां पे जा रही है, जो टाटा है इस गाड़ी पे उन लोग फिटिंग इंस्टॉल करने वाले है। इसलिए वो कस्टमर की पूरी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, वो मशीन की हम टेस्टिंग ले रहे हैं, ऑपरेट ले रही है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे उसका कूलिंग टेस्ट करना है, सोडा टेस्ट करना है, हर एक चीज कंप्लीट करके हम यहाँ से मशीन को डिलीवर करते हैं। तो हम आपको आपको इसके बारे में टोटली डिटेल्स बताएंगे, तो आप पहले से लेके एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखेंगे, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी और नॉलेज मिलेगा सोडा मशीन के बारे में। आपको खरीदने से पहले भी ये चाहिए वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि हम क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, बाकी कंपनियां क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे ये 20+2 12 सोडा वाले फ्लेवर से, 2 जूस वाले फ्लेवर से, ये वाल हम लेंसर कंपनी के वाल लगाते हैं इसके अंदर। आप वाल देख सकते हो, लेंसर कंपनी के वाल है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वाल। यहाँ पे इसका सेटिंग का बोल दिया हुआ है, वाटर और सिरप सेटिंग करना है, अगर आपको वाटर सिरप स्वीटनेस कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी मशीन को टेस्ट किया, हम आपको चालू करके भी बताएंगे टेस्ट करके। ये देखिए, ये भी टेस्टिंग होके हम बता रहे हैं आपको, मशीन पूरा चेक करके बता रहे हैं। अगर स्वीटनेस बढ़ा नहीं है आपको, तो यहाँ पे सिरप का बटन है, उसको टाइट करेंगे तो स्वीटनेस बढ़ेगी, अगर स्वीटनेस कम करनी है तो यहाँ पे वाटर का बटन है, वाटर है इसके ऊपर लिखा हुआ है वाटर, इसको आप सेट करेंगे तो वाटर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसको सिरप को बढ़ाएंगे तो सिरप बढ़ जाएगा, जिससे मीठा कम ज्यादा यहाँ से अपने हैंड से ही इसको सेट कर सकते हैं। अभी ये हो गया, अभी ये दूसरा इसके ड्रॉवर से, यहाँ पे हमने ड्रॉवर दिया गया है, ड्रॉवर से जिसके अंदर आप कुछ भी सामान है, पैसा है, थैली है, नींबू है, कोई भी यदि चीज है इसके अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। ये दो ड्रॉवर देते हैं हम यहाँ पे, ये इसका ड्रेनेज ट्रे है, ट्रे और जाली बोलते हैं इसको, इससे जो वेस्टेज वाटर, जैसे कि कोई सोडा गिरा, 2-3 बूंद गिरा, तो ये वेस्टेज पूरा निकल के नीचे चला जाएगा ड्रेनेज के अंदर, इसलिए ये भी फैसिलिटी। और पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील 304 फूड ग्रेड मटेरियल की है, पूरी मशीन 304 स्टील ने बनाई गई है, ठीक है। कस्टमर ने हमको जो नाम बोला था, राजोरिया सोडा बार, वो हमने नाम लिख दिया है। कस्टमर ने जो बोला था रूप किशोर सैनी, कस्टमर का नाम है, एक कस्टमर का मोबाइल नंबर है, जो कस्टमर को हमने अलवर में मशीन दी है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कस्टमर उसकी शॉप में मशीन लगाएंगे, कोई भी उसके कस्टमर पार्टी फंक्शन शादी के लिए किसी को भी ऑर्डर देना है तो यहाँ से नंबर लेके वो कस्टमर को फोन करेंगे कि हमारे यहाँ पार्टी शादी फंक्शन में आप आ जाओ गाड़ी लेके, इसके लिए नंबर हेल्पफुल है, इसलिए हर एक कस्टमर का वो क्रिएट करके देते पूरा। बाद में हमने पूरा लाइटिंग वाला लोगो बताया है, जिसमें आपका जब गाड़ी शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जब आप निकालते हो मार्केट में, तो इसको अट्रैक्शन करने के लिए, लाइटिंग और डेकोरेशन के लिए अट्रैक्शन देने के लिए लोगों ने लगाया हुआ है। यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है, ये स्विच देख सकते हैं आप, ये स्विच ऑन करने से लाइट स्टार्ट हो जाएगा दोनों, ये लाइट का उठाओ रात को इतना डेकोरेट क्लियरिटी आएगा आपको, एक नंबर का क्लियरिटी आएगा इसका, लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए, उतनी लाइटिंग शाइनिंग आएगी इसके अंदर। अब गाड़ी के अंदर तो भले जो भी लाइटिंग कराते हो वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन हम मशीन के अंदर पूरी ऐसी लाइटिंग करके देते हैं, ये स्विच बंद करने से ये चीज बंद हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें टैंक बताते हैं, इसका ओपन करके, ये हमने कूलिंग के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है इसको, 300 लीटर का टैंक है, 300 लीटर पानी इसके अंदर आएगा, 12+2 की मशीन में 300 लीटर का टैंक है, ठीक है। ये पूरा पैक टैंक रहता है, पूरा इंस्टॉलेशन पैक है, आप देख सकते हो, पूरा ढक्कन इसका स्टेनलेस स्टील का, पूरा पैक ढक्कन है इसका,
इसमें से आप पूरा इंसुलेशन पैक रहता है, इसमें आपको जितने भी गाड़ी में खड्डे बम कुछ भी आएंगे, एक बूंद पानी का अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर का कुछ अंदर नहीं जाएगा, पूरा पैक रहता है। और इसको एक बार आपने अगर ठंडा कर लिया, ठंडे लेवल पे एक बार ले गए आप इसको, तो मैक्सिमम 35 से 40 घंटे तक ये पानी ठंडा रहेगा। एक बार आपने जीरो या माइनस ले गए, फिर 35 से 40 घंटे तक आप इसका बिजनेस मार्केट में कर सकते हो, उतना इसका कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने केमिकल फिल किया हुआ है, हम आपको बताएंगे कहाँ पे फिल किया हमने केमिकल। इसका पहले अपने ढक्कन खोल लेंगे, ये ओपन हो गया ढक्कन, देखिए ये पूरा लाइनिंग बर्फ से जम गया है। देखिए ये पूरा लाइनिंग बर्फ से, आइस से जमा हुआ है, चारों साइड से, नीचे की साइड सब जगह बर्फ जमा हुआ है। देखिए ये ऑलरेडी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, पूरा चालू करके टेस्ट करके बता रहे हैं। और इतने हिस्से में हम यहाँ पे केमिकल लगाते हैं, इतने हिस्से में, ये हिस्से से लेके इतना हिस्सा, इतना बीच में केमिकल भरा रहता है। बाकी सब कंपनियां इतना केमिकल नहीं लगाती है, इतना केमिकल तो इनफ हो जाता है बाकी सब कंपनियों में, जिससे आपको 8 या 10 घंटे का बैकअप मिलता है। हमारी मशीन में यहाँ से लेके यहाँ तक का केमिकल फील रहता है, जिससे आपको 35 से 40 घंटे का बैकअप मिलेगा इसके अंदर। एक बार पानी ठंडा करने के बाद 35 से 40 घंटा आप इसको ऑपरेट कर धंधा कर पाएंगे बिजनेस, ठीक है। अभी हमें पीछे का पूरा सिस्टम बताएंगे आपको, आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम है, जहाँ पे कंप्रेसर कूलिंग प्लांट पूरा यूनिट लगा हुआ है जिसके अंदर। ये पूरा पाइप के ऊपर बनाया है, स्टेनलेस स्टील पाइप है, ये भी स्टेनलेस स्टील 304 फूड ग्रेड मटेरियल का पाइप है। इसके अंदर पूरा कंप्रेसर सिस्टम लगाया हुआ है, नीचे स्टील की प्लेट लगाई हुई है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, यहाँ पे पंप लगा है। ये आप कंप्रेसर भी देख सकते हो कितना कूलिंग आ गया है इसके ऊपर, आप देखिए पूरा, ये देखिए ये पूरा कूलिंग आके टेस्टिंग हमने कर लिया है, पूरा चेकअप कर लिया है, आप देखिए पूरा, ये 1.7 टन का कूलिंग प्लांट हमने लगाया है, 1.07 का आपका कंप्रेसर कूलिंग प्लांट लगाया है इसके अंदर। यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोलर है, यहाँ से आप इसको ठंडा कितना कम ज्यादा करना है सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 7 डिग्री का टेम्परेचर बता रहा है अंदर की टंकी का, पानी का टैंक में कितना टेम्परेचर है बता रहा है इसके अंदर। आप इसको अगर कम ज्यादा सेटिंग करना है तो आप इसको सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 MCB स्विच लगाई है, जो इमरजेंसी में कोई भी फॉल्ट आता है तो MCB स्विच गिर जाती है, उसका फंक्शन दिया हुआ है हमने पूरा। यहाँ पे हमने पूरा वेंटिलेशन का झाली दिया हुआ है, झाली है वेंटिलेशन का पूरा, जो हीटिंग गर्म हवा है, जो कंडेंसर स्टार्ट होता है, वो सब चीज यहाँ से एयर पूरा निकालेगा, ठीक है। अभी ये इसके बाद क्या आएंगे उसका बताएंगे, ये जो सिस्टम है अभी, ये पूरा सिस्टम हमने लगाया है, ठीक है। इसके बाद अपने को एक प्लेट हम देते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का प्लेट है, पूरा स्टील का हेवी गेज का, ठीक है। ये इसको आपको एक प्लेट को ऐसे लगा देना है, इसके एक प्लेट लग दिया इसका, ठीक है। इसके 4 बोल्ट आएंगे, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ, 4 बोल्ट लगा देने चाहिए। इसके ऊपर आप इन्वर्टर, बैटरी, कोई भी हेवी सामान, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो का कोई भी सामान इसके ऊपर आप रख सकते हो। इन्वर्टर, बैटरी, कोई भी सामान, फ्लेवर का बाउल है, CO2 बोतल, कोई भी सामान, जो भी आपको स्पेस लेस है, स्पेस बचाना है, तो इसके ऊपर हमने पूरा हेवी सेटअप करके दिया हुआ है। ये पूरा पाइप के ऊपर बैठता है पूरा, तो आप देखिए पूरा ये क्वालिटी हमने किस हिसाब से मेंटेन किया है, किस हिसाब से क्रिएट किया है। जो मार्केट में दूसरी कंपनियां रहती है, कोई भी हिसाब से स्टील का बॉडी बना के कंप्रेसर लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा चीज हर एक चीज प्रोसेस से, सिस्टम से होता है, हम क्लियरिफिकेशन से हर एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वाटर लेवल का भी कंट्रोलर दिया हुआ है, ये वाटर लेवल का कंट्रोलर है। यहाँ पे इसके होल्डर आ जाएंगे, नोजल आ जाएंगे दोनों साइड पे, आपको बाहर से पता चल जाएगा मशीन के अंदर पानी कितना भरा है, टैंक के अंदर पानी कितना भरा है, वो आपको आउटसाइड से ही पता चल जाएगा। मशीन के साथ हम इस टाइप का CO2 का मीटर देते हैं, एक तो मशीन के साथ कंपल्सरी आता ही है, बोतल के साथ एक लगता ही है, लेकिन एक मीटर हम स्पेयर में भी देते हैं फ्री में, ऐसा सेम टू सेम मीटर एक फ्री में भी मशीन के साथ में देंगे, जिससे इमरजेंसी में कोई ये मीटर का फॉल्ट आता है तो इमरजेंसी वाले मीटर में आप उसको सॉल्यूशन ले सकते हो। बॉलफिल मशीन के अंदर हम बहुत सारी ऐसे चीजें, जैसे कंप्लीट मशीन है, उसका स्टैंड है, पूरी मशीन की स्टिकरिंग है, अगर गाड़ी में आप मशीन फिट कर रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर की पूरी स्टिकरिंग, आप जो भी कलर बोलेंगे, जो भी नाम की बोलेंगे, वो पूरा करके देंगे। मशीन के साथ उसका CO2 गैस का सिलेंडर देंगे,
पूरे इंडिया में कोई भी लोकेशन पे आपको वहाँ पे डिलीवरी मिल जाएगी। जैसे कोई भी सिटी है, कस्टमर अलवर का है तो अलवर तक उसको कस्टमर को फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। फ्री वुडन बॉक्स पैकिंग, उसका तो पैकिंग करेंगे वो ए ग्रेड एक्सपोर्ट क्वालिटी के वुडन बॉक्स से पैकिंग करेंगे, ठीक है। पूरी डाकियात को सलमान ए ग्रेड क्वालिटी से इसको हम पूरा पैकिंग करेंगे, पूरा कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। उसका आपको एडिशनल एक रुपया भी चार्ज देना नहीं है। और हम जो इसके अंदर फ्लेवर का टैंक भी लगाते हैं, ये ए ग्रेड क्वालिटी का सिरप टैंक लगाते हैं, आप देख सकते हो पूरा पूरा हेवी जेज का पूरा टैंक है, पूरा हेवी ड्यूटी जेज है। और ऊपर नीचे इसमें खासियत क्या है, इसमें ऊपर नीचे रबर लगे रहते हैं, जिसके हिसाब से आपने कोई हेवी लीज को पटका है, हेवी लीज छोड़ दिया इसको, जैसे हेवी लीज पटक दिया तो इसको टैंक को डैमेज नहीं होता, इसका मटेरियल स्टील को डैमेज नहीं होता है। नीचे का जो रबर रहता है वो स्प्रिंगिंग करता है, बहुत सारी टैंक रहता है उसमें नीचे रबर नहीं रहता है, जिससे वो उसका डैमेजेस हो जाता है और लीकेज होने का चांस होता है। और स्टील का प्लेट भी पूरा हेवी गेज का लगाया है, इस टैंक का भी हम 2 साल का गारंटी देते हैं। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर भी दिया गया है, यहाँ पे इसका नंबर दिया गया है, हर एक टैंक के ऊपर तारीख लगाई रहती है, सीरियल नंबर सब चीज लगाया रहता है, और पूरा ब्रांड न्यू टैंक है, बॉक्स पैकिंग पूरा न्यू नया टैंक रहता है। तो हर एक चीज हम क्वालिटी डिवाइडेशन करके देते हैं, हर एक चीज कस्टमर को फ्यूचर में कोई फॉल्ट ना आए, हर एक क्वालिटी बढ़िया नहीं मिले उसको, वो हिसाब की हमारी पूरी सिस्टम रहती है और पूरा प्रोसेस करके हर एक चीज देते हैं। तो आपको भी अगर इस टाइप की मशीन लेनी है, खरीदनी है, ऑर्डर देना है या कोई भी इंक्वायरी करनी है, जानकारी लेनी है, तो आप हमारे कंपनी का नंबर हमने दिया गया है, यहाँ पे कंपनी का नंबर दिया गया है हमने 4575050675, दूसरा है 9601298282, यहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है कंपनी का। आप डायरेक्टली सेल्स टीम को कॉल करके हर एक मशीन की जानकारी ले सकते हो, शॉप मॉडल है, गाड़ी वाला मशीन है, सॉफ्ट या आइसक्रीम मशीन है, शुगर कैन मशीन है, जूस मशीन है, कोई भी मशीन की आप जानकारी कंपनी में ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको रोज नई नई प्रोडक्ट मिलेगी, जानकारी मिलेगी। रोज नई नई प्रोडक्ट के लिए हम जो क्या अपडेट करते हैं, क्या मशीन में सिस्टम लगा रहे हैं, हर एक सिस्टम का आपको जानकारी हम डेली अपडेट देंगे कि हम क्या चीज़ नहीं बना रहे और मशीन में क्या अपग्रेड कर रहे हैं। तो जिससे आपको भी बहुत सारी जानकारी, अगर आपने मशीन ले ली है तो भी आपको वीडियो देख के आपको उसका सजेशन सॉल्यूशन निकलेगा आपके पास से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।